एवरी वन स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जी दोस्तों इस बार तो हद ही हो गई है कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है है अभी जो वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने यह बयान दिया है कि 141 कोल ब्लॉक को जल्द ही नीलाम किया जाएगा अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कोल इंडिया का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों को एक बड़ी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप लोग माइनिंग का करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इनके अलावा डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर के मंथ में उन सभी एग्जाम के लिए हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एम नोट्स अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम की हंड्रेड और बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो कॉन्टेक्ट जरूर करें नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर जो आप लोगों को जानते जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है जहाँ दोस्तों जरूरी इसलिए है क्योंकि तो अभी तक कोल इंडिया लिमिटेड का इसके अलावा कोल मंत्री का ही इंटरफेयर होता था सरकारी कंपनियों में और कोल इंडिया लिमिटेड की माइंस में अभी जो है वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी ने 141 कोल ब्लॉक की खदानों की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी शुरू कर दी है जी हाँ दोस्तों बहुत बड़ी नीलामी है दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत जैसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को कोयला उत्पादन और उसके गैसीकरण की परियोजना में अधिक निवेश की आवश्यकता है अब भी जब विश्व स्तर पर विशेष रूप से गैस के ईंधन की, की कीमतें जो है लगातार बढ़ते जा रही है उस समय जो है हम लगातार कोल ब्लॉक को नीलाम करने की प्रक्रिया बना रहे हैं जिसके माध्यम से कमर्शियल माइनिंग के तहत प्राइवेट हाथों में जाएगा तो इससे जो है गैस निकालने की व्यवस्था बढ़ेगी इसके अलावा कोयले का जो है उत्पादन भी बढ़ेगा कोयला मंत्रालय की कोयला खदान नीलामी के छठे दौर का आज दिल्ली में शुभारंभ करते हुए वित्त मंत्री ने जो है इस पर बात पर प्रकाश डाला वर्तमान में दुनिया में सबसे अच्छा निवेश गंतव्य है मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीतिगत स्थिरता और पारदर्शी प्रक्रिया के कारण बिजली के क्षेत्र में कोयले के आयात में फोर्टी की कमी आई है वित्त ने कहा कि आज जो है १४१ कोल ब्लॉक कोयला खदानों की नीलामी से बारह राज्यों को प्रत्यक्ष लाभ होगा कोयला क्षेत्र को खोलने अनलॉक करने के लिए हाल ही में की गई पहलों के लिए जो है कोयला मंत्रालय की सराहना करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि खनन क्षेत्र में सुधार में हमारी तेजी से काम किया जा रहा है हमारी तरफ से जो है तेजी से काम किया जा रहा है सुधार हमारी तेजी से बढ़ते जा रही है मंत्रालय कोयला के उपयोग को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक पद्धति ढूंढ रहा है आज जोशी ने कहा जो कि अपना कोल मंत्री है श्री प्रहलाद जोशी जी वित्त मंत्रालय ने कोयले के गैसीकरण के लिए लगभग जो है अपना छः हजार करोड़ रुपए का अन्वेषण प्रक्रिया के लिए ढाई सौ करोड़ रुपए रुपये का जो है प्रोत्साहन दिया है अब तक की सबसे बड़ी नीलामी के दौरान आज जो है ग्यारह राज्यों की एक कोल ब्लॉक को नीलाम कर दी गई जी दोस्तों बहुत बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है इसके माध्यम से आने वाले समय में लगता है कि ना कोई सरकारी कंपनी बचेगी और ना ही कोल इंडिया लिमिटेड बचेगा जिस तरीके से आज सरकार उतारू हो गई है लगातार जो है कोल ब्लॉक को बेचने के लिए लगता है कि आने वाले समय में पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा श्री निर्मला सीतारमण जी ने इस पर जो है एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है उन्होंने जो है अपना कोल मंत्री जी के साथ में आकर के कह दिया कि अब जो है नीलाम की प्रक्रिया होना ही चाहिए समारोह को जो है कोयला एवं खान एवं रेल मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे इनके अलावा जो है कोयला सचिव अमृत लाल वीणा इनके अलावा अपर सचिव एम नागराजू ने भी जो है इस सभा को संबोधित किया है कमर्शियल कोल माइनिंग के छठे दौर में वन थर्टी थ्री कोयला खदानों की नीलामी के लिए रखी गई थी जिसमें 71 वन नई खदानें हैं इसके अलावा सिक्सटी टू कोयला खदानें कमर्शियल नीलामी के पहले चरण से चल रही है इसके अलावा जो है अपना कमर्शियल नीलामी के पांचवे दौर के प्रयास के बाद जो है अपना आठ कोल ब्लॉक को जी हाँ दोस्तों आठ कोयला खदानें जो कि लगभग अलग अलग राज्यों से आती हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में जो है आठ राज्यों में कोल इंडिया लिमिटेड फैला हुआ है इसमें जो है अलग अलग कोल ब्लॉक को अलग अलग कंपनियों को दिया जा रहा है जिसके लिए प्रयास में एकल बोलियां प्राप्त हुई नीलामी की इस किस्त के शुभारंभ के साथ ही जो है कोयला मंत्रालय तापी थर्मल प्ला यानी कि जो है अपना थर्मल पावर प्लांट के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की अपनी जो है प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जी हाँ दोस्तों वो चाहता है कि पूरी तरीके से देश ही आत्मनिर्भर हो जाए ताकि सरकार को कुछ करना ही ना पड़े सरकार को टैक्स मिलता रहे सरकार जो आराम करते रहे सरकार को कोई काम ही ना करना पड़े संरक्षित क्षेत्रों वन्य जीव अभ्यारण संवेदनशील बसावटों से चालीस परसेंट से अधिक वन्य क्षेत्रों भारी निर्मित क्षेत्र जो है खदानों को नीलामी से बाहर रखा गया है इसको लेकर के जो है अपना बहुत बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि निविदा दस्तावेज की प्रक्रिया जो है अपना तीन नवंबर 2022 से शुरू होगी और हो चुकी है खदाने नीलामी होगी इसमें समय सीमा का निर्धारण जो है तय कर लिया गया है जनवरी में पहली जो है अपना लिस्ट आएगी कि कितने कोल ब्लॉक को नीलाम कर दिया गया है इसमें जो है वन फोर्टी वन कोल ब्लॉक को रखा गया है जो कि अपना ग्यारह राज्यों से हैं जनवरी में हमें पता चलेगा कि कितने कोल ब्लॉक को एक साथ बेच दिया गया और कितने कोल ब्लॉक को आगे चल के बेचा जाएगा जी जा हाँ दोस्तों ये रही पूरी खबर आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें थैंक यू फ्रेंड